सचार जी, कल हरियाली तीज है सावन महीने की, तो जो सुहागिन महिलाएं पहली बार व्रत रख रही हैं, वो इस तीज में किस तरह से पूजा करनी चाहिए ताकि उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो हमेशा खुशहाली रहे। हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। सावन माह में होने वाला जो हरियाली तीज है, यह 7 अगस्त बुधवार को होने जा रहा है। तो इसमें जो महिलाएं नई व्रत करने वाली हैं, जो जिसका जिसका विवाह इस वर्ष हुआ हो और यह हरियाली तीज प्रारंभ करने वाला हो, उसको उपवास रखना चाहिए। उपवास रख करके हो सके तो निराहार, और यदि न रह सके तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फलाहार कर सकती हैं। दिन भर महिलाएं उपवास में रहेंगी और नियम के साथ, ये हरियाली तीज है इसलिए हरे वस्त्रों का उपयोग करना, अपने श्रृंगार में जैसे चूड़ी हरा होना चाहिए, वस्त्र हरा होना चाहिए, और सारा श्रृंगार करके संध्या के समय में, जब चंद्रोदय का समय होगा, उसके पहले शंकर पार्वती की पूजा, विशेष रूप से माँ पार्वती की पूजा जो है वह शाम के समय में करें, और शाम संध्या काल में जो है वह सभी श्रृंगार की वस्तुएं, जितनी भी श्रृंगार की वस्तुएं हो, 16 श्रृंगार माँ पार्वती को अर्पण करें। विशेष रूप से माँ पार्वती को सिंदूर अवश्य अर्पण करें। श्रृंगार में सभी सामानों के साथ माँ पार्वती की 16-16-पचार से, यानी शंकर भगवान और पार्वती के साथ 16-16-पचार से पूजन कर, और चंद्रमा के उदय होने के साथ ही चंद्रमा को अर्घ दें, और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद यदि नहीं रह सके तो इसके बाद अपना कुछ जल वगैरह पी करके अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रातः काल में स्नान करके यदि माँ पार्वती की मूर्ति बनाई हो तो जल प्रवाहित करने के बाद ही वह पारण का विधान है।